दोस्तों अगर आपको भी किंग्स इलेवन पंजाब और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया रोमांचक मुकाबला अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने फेवरेट टीम को सपोर्ट जरूर करें। दोस्तों आज आईपीएल में एक और रोमांचक मुकाबला केएल राहुल की पंजाब और स्टीव स्मिथ की राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया। दोस्तों यह आईपीएल का 50वां मुकाबला था। दोस्तों आपको बताएंगे आज के मैच का पूरा हाल, कैसे दोनों टीमों के बीच मैच रोमांचक मोड पर पहुंचा और फिर कैसे टीम जीती। लेकिन दोस्तों इसके लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अपने फेवरेट टीम के लिए लाइक जरूर कीजिएगा। आज हम इस वीडियो में सिर्फ 1000 लाइक का टारगेट रखे हैं, तो सपोर्ट जरूर करें। दोस्तों इस मुकाबले की शुरुआत हुई राजस्थान के टॉस जीतने के साथ, जब कप्तान स्टीव स्मिथ ने टॉस जीता और पहले किंग्स इलेवन पंजाब को बैटिंग के लिए चुनौती दी, तो कप्तान स्टीव स्मिथ के इस फैसले को पहले ओवर में ही सही साबित किया जोफ्रा आर्चर ने। पारी की 6वीं गेंद में ही राजस्थान को पहली सफलता दिलाई और मनदीप सिंह को खाता भी खोलने नहीं दिया। दोस्तों एक रन पर ही पहला विकेट खोने के बाद पंजाब की पारी को संभाला कप्तान केएल राहुल और क्रिस गेल ने। दोस्तों दोनों ने पहले संभल कर एक साझेदारी बनाई, फिर जमने के बाद ताबड़तोड़ प्रहार किए और दोनों ने 120 रनों की साझेदारी करके पंजाब को एक मजबूत स्थिति में पहुंचा दिए। हालांकि केएल राहुल अपना अर्धशतक बनाने से चूक गए और 41 गेंदों में 46 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन एक छोर पर क्रिस गेल टिके हुए थे और राजस्थान के गेंदबाजों को दुनाई करते रहे, जिससे पंजाब विकेट खोने के बाद भी मुश्किल में नहीं आई। तो वहीं राहुल के आउट होने के बाद पंजाब का स्कोर और तेजी से बढ़ने लगा, क्योंकि निकोलस पुरन ने 9 गेंदों में ही 22 रन ठोक दिए। हालांकि वे भी अपनी पारी को बड़े स्कोर में बदल नहीं पाए, लेकिन इसे भी पंजाब को कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अभी भी एक छोर पर यूनिवर्सल बॉस क्रिस गेल राजस्थान के गेंदबाजों पर हल्ला बोल रहे थे और 63 गेंदों में 99 रन बनाकर टीम के स्कोर को 185 रन के एक बड़े स्कोर तक पहुंचा दिए। हालांकि दोस्तों गेल अपना शतक नहीं बना पाए और 99 रन पर ही आउट हो गए, जिससे उन्हें काफी दुख भी लगा और वे गुस्से से अपना बल्ला भी मैदान में फेंक दिए। लेकिन गेल की 99 रनों की पारी ही पंजाब को इस मैच में एक मजबूत स्थिति में पहुंचाया और टीम 185 रन बना पाई, जिसके लिए पूरा टीम मैनेजमेंट उन्हें ताली बजाकर सलामी दी। अब दोस्तों राजस्थान को जीत के लिए 186 रनों की जरूरत थी, जो आसान नहीं था, लेकिन बेन स्टोक ने 24 गेंदों में ही 50 रन बनाकर राजस्थान को एक बेहतरीन शुरुआत दिलाई और पावर प्ले में ही टीम के स्कोर को 68 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों बेन स्टोक की विस्फोटक बल्लेबाजी पंजाब के लिए मुसीबत बनते जा रही थी और वह इस मैच से बाहर होते जा रही थी, तो ऐसे में क्रिस जॉर्डन ने खतरनाक लग रहे बेन स्टोक को अपने धीमे गेंद से फंसाया और दीपक हुड्डा ने एक आसान सा कैच पकड़कर इस खतरनाक जोड़ी को तोड़ा और पंजाब को पहली सफलता दिलाई। अब दोस्तों राजस्थान को एक अच्छी शुरुआत मिल गई थी और इस अच्छी शुरुआत को और अच्छा बनाया संजू सैमसन रॉबिन उथप्पा ने, जब शानदार बैटिंग करते हुए 10 ओवर में राजस्थान को 101 रनों तक पहुंचा दिया। अब राजस्थान को जीत के लिए 60 गेंदों में 63 रनों की जरूरत थी और उनके 9 विकेट अभी भी बचे हुए थे, तो ऐसे में ये मैच राजस्थान के मुट्ठी में थी। तो वहीं पंजाब के गेंदबाज विकेट नहीं ले पा रहे थे और न ही रन गति को रोक पा रहे थे, जिसकी वजह से पंजाब की टीम इस मैच से बाहर होते जा रही थी। लेकिन तभी मॉर्गन अश्विन ने रॉबिन उथप्पा को आउट कर इस मैच को रोमांचक बना दिया। उथप्पा ने 23 गेंदों में 30 रन बनाए। दोस्तों उथप्पा को आउट करने के बाद भी पंजाब इस मैच में पीछे ही नजर आ रही थी, क्योंकि राजस्थान को 53 गेंदों में 72 रनों की जरूरत थी और 8 विकेट अभी बचे हुए थे। तो वहीं राजस्थान के लिए संजू सैमसन तेजी से रन बना रहे थे और अपनी टीम को जीत के करीब पहुंचा दिए। हालांकि वे स्टीव स्मिथ की बेवकूफी की वजह से रन आउट हो गए, जिससे अपना अर्धशतक बनाने से चूक गए। संजू ने 25 गेंदों में ही 192 की स्ट्राइक रेट से 48 रन बनाए। संजू के आउट होने से राजस्थान थोड़ा मुश्किल में फंसी, लेकिन स्टीव स्मिथ और बटलर ने पंजाब की उम्मीदों पर पानी फेर रहे थे। दोस्तों आज पंजाब की गेंदबाजी काफी खराब रही, वे सही समय पर विकेट नहीं ले पाए, जिसकी वजह से राजस्थान पर दबाव नहीं बन पाया।